दोस्तों नमस्कार। फिल्मी सितारों की रंगीन महफिल यानी फिल्मी बातों में आज पेश है, इन फिल्मों से बदल गई राजेंद्र कुमार की जिंदगी। जी हाँ दोस्तों, आज इसी बात पर चर्चा की जाएगी। मैं हूँ राजेश्वर मधुकर और आज राजेंद्र कुमार की फिल्मों के बारे में चर्चा की जाएगी। खास करके उन फिल्मों के बारे में चर्चा की जाएगी जिन फिल्मों की सफलता ने राजेंद्र कुमार को जुबली कुमार बना दिया। हम कार्यक्रम में आगे बढ़े हैं उसके पहले आपसे निवेदन कि अगर आज तक आप लोगों ने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और बेल आइकन जरूर दबा दीजिए ताकि हमारा हर वीडियो आपको आसानी से मिलता रहे। दोस्तों राजेंद्र कुमार बॉलीवुड के एक महान कलाकार थे। राजेंद्र कुमार के दिन शुरुआती दिन संघर्षों से भरे रहे लेकिन अंततः उन्हें सफलता मिली और उनकी प्रतिभा का ही कमाल था कि राजेंद्र कुमार अपनी बुलंदी पे पहुंच गए। राजेंद्र कुमार को 1969 में भारत के चौथे नागरिक पुरस्कार पद्मश्री से सम्मानित किया गया। उन्हें 1960 में रिलीज हुई फिल्म कानून और मेहंदी रंग लागियो के लिए राष्ट्रीय सम्मान से भी सम्मानित किया गया। दोस्तों परोपकार के क्षेत्र में उनके कार्यों के लिए उन्हें शास्त्रीय राष्ट्रीय पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। फिल्म दिल एक मंदिर, आई मिलन की बेला, आरजू के लिए राजेंद्र कुमार को सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए फिल्म फेयर के 3 नामांकन मिले। फिल्म संगम के लिए उन्हें फिल्म फेयर में सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता के लिए नामांकित भी किया गया। आज के इस एपिसोड में चर्चा उन फिल्मों की जिन फिल्मों के वजह से राजेंद्र कुमार का स्टारडम बुलंदी पर पहुंचा और उन्हें एक नया नाम मिला, जुबली कुमार। तो आइए जानते हैं उन फिल्मों के बारे में। दोस्तों सन 1957 में राजेंद्र कुमार की एक फिल्म रिलीज हुई मदर इंडिया, जिसमें उन्होंने नरगिस के बेटे का किरदार निभाया। ये इनकी हिट फिल्म थी और इस फिल्म के वजह से राजेंद्र कुमार की पहचान बनी। सन 1959 में गूंज उठी सहनाई राजेंद्र कुमार के करियर की सबसे बड़ी हिट फिल्मों में से एक थी। सन 1959 में ही राजेंद्र कुमार की एक फिल्म धूल का फूल सिल्वर जुबली हिट साबित हुई। मेहंदी रंग लागियो जो 1960 में रिलीज हुई थी, यह एक गुजराती फिल्म थी। इस फिल्म के लिए अभिनेता को राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया। सन 1961 में राजेंद्र कुमार की एक और फिल्म आई ससुराल। यह अभिनेता के करियर की म्यूजिकल हिट फिल्म थी। इसी साल 1961 में घराना फिल्म रिलीज हुई और ये भी एक म्यूजिकल हिट सुपर हिट फिल्म थी। दोस्तों सन 1963 में राजेंद्र कुमार की एक और सुपर हिट फिल्म रिलीज हुई जिसका नाम था दिल एक मंदिर। इसमें सह कलाकार राजकुमार, मीना कुमारी। यह एक सिल्वर जुबली हिट फिल्म थी। सन 1964 में राज कपूर के साथ इनकी एक फिल्म रिलीज हुई जिसका नाम था संगम और इसी साल धर्मेंद्र सायरा बानू के साथ एक फिल्म आई जो सुपर डुपर हिट हुई और सिने प्रेमियों की चाहत बन गई। उस फिल्म का नाम था आई मिलन की बेला।
फिर 1965 में आरजू, जिसमें फिरोज खान, साधना राजेंद्र कुमार के साथ दिखाई दिए और इसको फिल्म फेयर सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार के लिए भी नामांकित किया गया। 1966 में सूरज और 1965 में गीत रिलीज हुई। धरती एक सुमधुर संगीतमय हिट फिल्म थी जिसमें राजेंद्र कुमार के अभिनय को दर्शकों ने खूब सराहा। इसके बाद 1971 में एक फिल्म आई जिसका नाम था आप आए बहार आई। जोगन, तूफान और दिया, आवाज एक झलक के साथ साथ 1958 की यह फिल्म तलाक फिल्म फेयर सर्वश्रेष्ठ फिल्म के लिए नामांकित हुई। उसके बाद घर संसार, संतान, दो बहनें, चिराग कहाँ, रोशनी कहाँ, पतंग और माँ बाप, ये सारी फिल्में रिलीज हुई। दोस्तों, फिल्म हमराही, जिंदगी, साथी, तलाश, अनजाना के साथ साथ मेरा नाम जोकर, जो 1970 में रिलीज हुई थी, इसमें राजेंद्र कुमार महत्वपूर्ण भूमिका में नजर आए। इसके अलावा लगातार ही इनकी फिल्में 1970, 1972 और 1972 में ही गवार, तांगे वाला, गांव हमारा, शहर तुम्हारा जैसी फिल्में रिलीज हुई और ये फिल्में खूब चलीं। दोस्तों, लगातार राजेंद्र कुमार की फिल्में सुपर डुपर हिट होती रहीं और इनकी हर फिल्में सिनेमा हॉल में पहुंचने के बाद बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचाती थीं और सिल्वर जुबली मनाती थीं। दोस्तों, तो ये थी बात राजेंद्र कुमार के कुछ फिल्मों के बारे में। दोस्तों, राजेश्वर इंटरटेनमेंट के द्वारा इसी चैनल पर संजीव कुमार, हेमा मालिनी, धर्मेंद्र, जीनत अमान, गोविंदा, राजेंद्र कुमार, जितेंद्र और देवानंद के फिल्मी योगदान पर सीरीज मौजूद है जिसे आप देख सकते हैं। तो अब आज्ञा दीजिए अपने दोस्त राजेश्वर मधुकर को, हम फिर आएंगे किसी नए एपिसोड के साथ फिल्मी दुनिया के किसी मशहूर हस्ती के बारे में जानकारी लेकर के। अपना ख्याल रखिए और देखते रहिए राजेश्वर इंटरटेनमेंट। नमस्कार।